करें, शुरू करें। टी शर्ट कहाँ दे रही? बस खुश रहो, खुश रहो। हैंग डालिए। सेक्शन नंबर 6, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जल्दी से बैठ जाएं फटाफट। लिखें इलेक्ट्रो का लास्ट सेक्शन है और शाम को जगदीप सर एक्स्ट्रा उसमें डाउट काउंटर पे नहीं मिलेंगे, और अभी जो नेक्स्ट क्लास है वो इंसाफ सर लेंगे। अच्छा, इंसाफ सर ने ले लिया, ठीक है। मतलब आज जगदीप सर आपके एक्सेसिबल नहीं रहेंगे। बस चलिए, अभी अलग से डाउट और बताएंगे। लिखिए, हेड डालिए। सेक्शन नंबर 6, इलेक्ट्रिक डाइपोल। शुरू करें। चलो, ये लैब शांत हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में माना जाता है, छोटा है, एक लेक्चर डेढ़ लेक्चर में पूरा हो जाता है और सवाल आता ही आता है। तीन टॉपिक सबसे फेमस हैं, फ्लक्स एंड गॉस, पोटेंशियल और डाइपोल। टोटल 6 सेक्शन है चैप्टर में। कूलम फोर्स पढ़ाया, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स एंड गॉस, पोटेंशियल, पांचवा कल पढ़ाया कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और ये छठा लास्ट है डाइपोल। सबसे अटैकिंग टॉपिक है फ्लक्स, गॉस, पोटेंशियल और डाइपोल। लगभग हर साल इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस साल भी 3 प्रश्न आए थे, तीनों इन्हीं टॉपिक से आए थे। डाइपोल आसान है, बहुत जल्दी समझ में आता है, फटाफट फटाफट हम करते हैं। देखिए, 2 चार्जेस हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। मजे की बात है, दोनों फिक्स हैं। भाई अगर फिक्स नहीं होंगे तो आप सोचो अट्रैक्ट करके सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। तो फिक्स हैं दोनों, और दोनों के बीच की दूरी हमने डी मान ली, एनसीईआरटी कहती तो 2a मान लो, तो दूरी मान ली 2a। आप डी भी मान सकते हैं, 2a का कोई मैटर नहीं है। 2a केवल इसलिए मानते हैं आगे जाके क्या इसकी आधी दूरी काम में लेनी पड़ती है, तो 2a का आधा a हो जाता है। बाकी कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है। आप x मानो, d मानो, कुछ भी मानो, ध्यान से सुनना डेढ़ घंटा, क्योंकि इससे एक सवाल आपको मिल जाएगा। तो 2 चार्जेस बहुत कम दूरी पर रखे हो, क्या कंडीशन है, दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत कम। तो इस रिजल्टिंग सिस्टम को बच्चों क्या कहा जाता है, डाइपोल। बनाते जाइए साथ साथ। यहां एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट। यहां एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसे कहा जाता है डाइपोल मोमेंट। आज ईएलपी नंबर 11-12 शुरू करनी है, ईमानदारी से करिए। कल हमने कंडक्टर पढ़ा, कंडक्टर के सवाल भी मिलेंगे उसमें, और अच्छे से इसको अटेम्प्ट करिए पूरी पूरी। डाइपोल मोमेंट को इसका फॉर्मूला होता है, कोई भी एक चार्ज इनटू दोनों चार्ज के बीच की दूरी, कोई भी एक चार्ज इनटू दोनों चार्जों के बीच की दूरी। मजे की बात है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एज अ कन्वेंशन इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल बातचीत बंद कर दें,
आसान टॉपिक है, इजी गोइंग है, आप बढ़िया समझ के इसके सारे सवाल कर सकते हैं। फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, अगर आप वेक्टर साइन बनाना चाहेंगे डायरेक्शन, तो डायग्राम में देखिए माइनस से प्लस, अगर कोई डायपोल ऐसे रखा गया है ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर कोई डायपोल ऐसे रखा गया है इधर माइनस इधर प्लस, तो सीधा सीधा याद रखिए डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। धीरे धीरे आजकल माइनस क्यू प्लस क्यू लिखते ही नहीं है, बस ऐसा बना देते हैं पी वेक्टर। ये इटसेल्फ सब कुछ कह रहा है, आप सोचिए ये पी वेक्टर सब कुछ बता रहा है कि यहाँ माइनस रहा होगा और यहाँ प्लस रहा होगा, तभी तो माइनस से प्लस होगा। तो आजकल माइनस क्यू प्लस क्यू नहीं बनाते, सिंपल पी वेक्टर बना देते हैं। ये पी वेक्टर खुद ही क्या बता रहा है, डाइपोल, डाइपोल डायरेक्शन भी बता रहा है, डाइपोल मोमेंट। पढ़े आगे, डाइपोल मोमेंट होता क्या है? डाइपोल मोमेंट ये काम आता है अपने केमिस्ट्री में, वो एच सी एल बताते हैं, एच प्लस और सी एल माइनस जो बॉन्ड लेंथ से बटे होते हैं वहां पर पढ़ाते हैं वो पूरा पूरा, किसका डाइपोल मोमेंट है किसका नहीं, अभी आ जाएगा, आईओसी में आता है या ऑर्गेनिक में आता है। सही है, बढ़े आगे। तो डाइपोल मोमेंट क्या बता रहा है, डाइपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ अगर आपको नापनी है तो कोई भी एक चार्ज इंटू दोनों चार्जों के बीच की दूरी। डायरेक्शन बताइए कहां से कहां होगी, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, सारी बातें दिमाग में बैठाइए, सारी बातें काम की। यूनिट बताइए, यूनिट चार्ज की होती है कूलाम और दूरी की मीटर, तो इसकी हो जाएगी कूलाम मीटर, सेंटीमीटर मत बोलना, कूलाम मीटर है। सी एम, सी और एम के बीच में डैश लगा देना, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। क्लियर, इस वाली स्लाइड को एक बार देख लो, ये पूरे 1.5 घंटे काम आने वाली है, एकदम दिमाग में बैठा लो। डाइपोल होता क्या है, दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल भी होने चाहिए और अपोजिट भी होने चाहिए, कंडीशन यहां लिख लो इक्वल एंड अपोजिट, सारी बातें लिखी होनी चाहिए नोट्स में। बहुत कम दूरी पर रखे गए हों इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं, डाइपोल। इसकी स्ट्रेंथ को नापने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी आई जिसे कहा क्या गया, डाइपोल मोमेंट, कोई भी एक चार्ज इंटू दोनों चार्जों के बीच की दूरी। डायरेक्शन बताइए डाइपोल मोमेंट की, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव। चलो अब इसमें काफी चीजें हैं, फोर्स, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, वो सब पढ़ते हैं सब सिलेबस में। तो पहला लिखिए आर्टिकल नंबर वन, आर्टिकल नंबर वन लिखिए, फोर्स एंड टॉर्क हेडिंग है, फोर्स एंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, फोर्स एंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टार लगा लो, इसी पे सवाल आया था नीट 2023 में, पहले भी 5 से 6 बार आया है फोर्स और टॉर्क पे। हेडिंग वापस सुनो, फोर्स एंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरे लेक्चर में कुछ भी ऐसा नया नहीं आएगा जो आपने नहीं पढ़ा, सब वही बातें आएंगी, फील्ड, पोटेंशियल, फोर्स, जो हमने पिछले 20 दिन से पढ़ रहे हैं वही आएगा सब कुछ, पर एक बार उसको डाइपोल के लिए पढ़ना है। ये कौन है, यूनिफॉर्म फील्ड, इसके अंदर एक डाइपोल रख दिया गया, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, आराम से वही बात बोलिए उसी शब्दों में बोलिए, मजा आ जाएगा। कोई भी चार्ज अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखा होता है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स,
एफ बराबर क्यू ई, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगता है, बताइए, प्लस पे फोर्स आगे क्यू ई, माइनस पे फोर्स पीछे, माइनस क्यू ई मत लगाना, तीर का निशान आ चुका है तो क्यू ई लिखा जाए, बनाते चलो साथ साथ, और सेंटेंस भी बोलो, आप सब्जेक्ट के साथ अपने आप को जोड़ पाओगे, जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर फोर्स लगता है एफ बराबर क्यू ई, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग और माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अब आप देखिए दोनों फोर्स इक्वल हैं और अपोजिट हैं, इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं, इसलिए नेट फोर्स जीरो। तो ध्यान रखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, पूरा सेंटेंस काम का है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज जीरो। यूनिफॉर्म को अंडरलाइन करिएगा, नॉन यूनिफॉर्म भी हम पढ़ेंगे, एम्स में आया हुआ सवाल है, यूनिफॉर्म को अंडरलाइन करिएगा, सिर्फ जीरो नहीं रटे यूनिफॉर्म फील्ड, क्यों सर नॉन यूनिफॉर्म में क्या पंगे हो जाएंगे, आप खुद ही सोचो, समझदार हो, नॉन यूनिफॉर्म है तो यहां ई वन होगा, यहां कैसे कैंसिल होंगे भाई, ई वन और ई टू होंगे, अब एक रोटेशनल की बात है, यहां धीरे धीरे बोलता हूं, जब रोटेशनल आएगा तब और अच्छे से समझोगे, अगर दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं तो उनका नेट फोर्स तो जीरो है, बट अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो एक कपल पैदा करते हैं, क्या पैदा करते हैं कपल, आप क्या करो पेन को टेबल पर रखो, इसके दोनों किनारों पर बराबर उंगलियों से फोर्स लगाओ, एक आगे और एक पीछे, आप देखें पेन अपनी जगह ही क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, आगे नहीं जा रहा, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन के लिए नेट फोर्स चाहिए, नेट फोर्स तो जीरो है, बट बच्चों इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो इनका लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है, ये लाइन ऑफ एक्शन कहलाता है, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाना, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम होता, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, आप यहां से एफ लगा रहे हो, यहां से एफ लगा रहे हो, इस पे भी नेट फोर्स जीरो है और इस पे टॉर्क भी जीरो है, क्योंकि फोर्स को आगे पीछे बढ़ाएं, इसको भी आगे पीछे बढ़ाएं, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम। तो आइए पूरा सेंटेंस सुनते हैं, दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए हैं और लाइन ऑफ एक्शन सेम होना नहीं चाहिए, तो क्या पैदा करते हैं कपल, अच्छा नाम क्या उसका कपल, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डिफरेंट लाइन प्रोड्यूस अ कपल, क्या पैदा करेंगे कपल, और वो इस डाइपोल को क्या करेगा घुमाएगा, बताइए कितना टॉर्क होता है, सभी को याद है टॉर्क बराबर पी E साइन थीटा, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो P क्रॉस E, याद होना चाहिए, दो मिनट में आपको मैं मैथ्स भी सिखा सकता हूं कि आया कहां से, परीक्षा के लिए सीधा याद करिए टॉर बराबर P क्रॉस E, P E साइन थीटा, इस साल 2023 में इसी से सवाल आया था, स्टार लगा के रख लीजिए, P को तोड़ना आना चाहिए हमेशा, कैसे तोड़ते हैं, कोई भी एक चार्ज इनटू 2a मत लिखो, 2a से तुम परेशान हो जाओगे, दोनों चार्ज के बीच की दूरी, क्योंकि 2a लोगे, l लोगे, x लोगे, सब चलता है, 2a तो क्या एनसीईआरटी में दिया हुआ है बस, वास्तव में तो कोई भी एक चार्ज इनटू दोनों चार्ज के बीच की दूरी। दो मिनट मैथ्स भी देख लीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है, भले ही मत लिखिएगा क्या हुआ कैसे, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दो लाइन आपको दिख रही है, इनके बीच की दूरी, ये वाली परपेंडिकुलर दूरी, ये है 2a, ये है थीटा, 2a का थीटा से चुपका हुआ 2a cos, ये वाला 2a sin, ये मार्क कर लीजिए, थीटा मार्क करिए, 2a मार्क करिए,
तो फोर्स है क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा, q इंटू 2a को p, टॉर्क आ गया PE साइन थीटा। ट्वेल्थ बोर्ड के लिए जरूरत है, हमें आवश्यकता नहीं है, हम काय को कॉपी भरे, सीधा रिजल्ट याद होना चाहिए। बता इसलिए देते हैं, थोड़ा सब्जेक्ट के साथ जुड़ाव रहता है, वो SST नहीं लगती, बायो नहीं लगती, चीजें क्लियर होती हैं कि हाँ हम जो जानते हैं उसी से सारे आंसर निकाले जा सकते हैं। तो इस आर्टिकल को अच्छे से याद करो। पहला बोलो, अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उस पर नेट बल शून्य होगा, शून्य, और उस पर जो टॉर्क लगेगा जिसे बोलते हैं बल आघूर्ण, क्या बोलते हैं बल आघूर्ण, कितना लगेगा बताइए, PE साइन थीटा। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, P क्रॉस E, वहां बॉक्स में डाल लो, स्टार लगा के नीट 2023 लिख लो। वहां थीटा लिखो, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, थीटा एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, डायग्राम में दिखाओ, मजा तब आएगा। पी होता है माइनस से प्लस और ई तो एक्स में है ही, बढ़िया काम करो, फॉर्मूले वॉर्मले तो सब आपको रटे हुए हैं, डायग्राम की क्लेरिटी लाओ, पी वेक्टर दिखाया करो उसमें, देखो ई दिखाओ, तब आपको मजा आएगा ना, हाँ यार ये पी है ये ई है, दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा। बोले क्लियर है क्या, चलो आगे लिखें। आर्टिकल नंबर टू वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा वन टू टी ओ टू एंगल थीटा टू, अंडरलाइन कर लीजिए, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा वन टू टी ओ टू एंगल थीटा टू। तो वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, वर्क डन होता है याद करिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो तब होता जब वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम कर रहा है, ट्रांसलेटरी तो मोशन है ही नहीं, मोशन कैसा है उसका, रोटेटरी के लिए वर्क है। तो देखो फोर्स का क्या आ गया, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कहां से कहां घुमाना है, थीटा वन से थीटा टाओ, टाओ भी आपने पढ़ा, बताइए कितना, पीई साइन थीटा। खुद करिए, मैं इसका इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी, फॉर्मूला तो याद करना ही है, प्रैक्टिस हो जाएगी, पी भार ई भार साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस, डिफरेंशिएशन होता है ध्यान दीजिए, लिमिट रखने से पहले माइनस भार ले लीजिए, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस को अंदर डाल दीजिए, अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, तो डब्ल्यू आ गया पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। सीधा याद करिए, डेरिवेशन तो ठीक है आपने मैथ समझ ली, अच्छा लगा आपको, इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करानी थी, बाकी परीक्षा में सीधा याद होना चाहिए, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा वन टू एंगल थीटा टू, वर्क बराबर पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। मैथ इसलिए कराते रहते हैं ताकि मैथ्स का डर धीरे धीरे हटता रहे, तो न्यूमेरिकल में तो इंटीग्रेशन लिमिट रखना सभी चाहिए, तो इस बहाने हम उसकी प्रैक्टिस होती रहती। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि सर ये वर्क क्यों करना पड़ रहा है, डाइपोल पता है क्या हो रहा है, डाइपोल सीधा होना चाहता है, क्यों सीधा होना चाहता है, जरा खुद देखिए, ये ऐसे फोर्स लगेगा ऐसे, इसको टॉर्क लगा के पता है क्या कर देगा, सीधा कर देगा। अभी सुनते हैं कि सीधा करने की क्या जरूरत है, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल क्या होगा,
पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मिनिमम होगी अब उसकी चर्चा करेंगे, तब आपको ये फील आएगा कि हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल को याद कर लीजिए, कितना पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा वन, कौन है इनिशियल एंगल, थीटा टू फाइनल एंगल। हिंदी में बोल लीजिए, किसी डाइपोल को थीटा वन एंगल से थीटा टू एंगल तक घुमाने में किया गया कार्य है पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। लाइन चेंज करके लिखिए आर्टिकल नंबर थ्री, सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 15, 18, 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, सही फॉर्मूले याद है, खटाखट सवाल होंगे। अब लिखिएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, इसको समझिए, इसको थोड़ा स्टार लगाइए, सीधा इसका फॉर्मूला, इस पर न्यूमेरिकल बहुत बातें पूछी जाती, थोड़ा इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो मैंने आपको इलेक्ट्रो में सिखाया था, आज भी मैं उसी बात पर हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर क्या होता है डेल्टा यू, याद करिए, कभी भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल डेल्टा यू सीधा याद होना चाहिए। अभी बोर्ड पे देखते जाइए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, डेल्टा यू को खोलिए, फाइनल माइनस इनिशियल। अब एक शब्द याद करिए, पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालनी होती है तो एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है। जब हम एमजीएच बोलते हैं क्लास 9 से, तो हमारा टीचर उस समय यह भी बोलता है कि ग्राउंड को रेफरेंस मानो। जब आप पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफाइन करते थे तो आपको बताया था कि भाई इनफाइनाइट पर क्या मानो, जीरो। तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना पड़ता है। इस केस में हम रेफरेंस डिफाइन करते हैं जब डाइपोल 90 डिग्री पर है, उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जाए। क्यों नहीं है, मानी जाए, दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट। जैसे जमीन पर हमने रेफरेंस क्या मान लिया, जीरो। स्प्रिंग जब अपनी नेचुरल लेंथ पर होती है उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, डाइपोल जब 90 डिग्री पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानो, जीरो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो बताइए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इनिशियल एंगल कितना है बताइए, इनिशियल थीटा वन 90, और घुमा के उसको थीटा एंगल पे ले गए, तो पीई कॉस 90 बोलिए जीरो माइनस, तो यू आ गया माइनस पीई कॉस थीटा। सीधा एआईपीएमटी में फॉर्मूला ही पूछ लिया, एक्सरसाइज 3 में मिलेगा आपको पीवाईक्यू में, पोटेंशियल जी का फॉर्मूला याद करिए, माइनस पी कॉस थीटा, डॉट फॉर्म में याद करेंगे माइनस पी डॉट ई, सीधा याद होना चाहिए। डेरिवेशन केवल अपने कंफर्ट जोन के लिए हम आपको बता रहे हैं, यहां थोड़ा थोड़ा आप सीखो, आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल का डेल्टा यू फॉर्मूला याद हो गया। अब अगर सीधा आप याद करते तो आपको रेफरेंस रेफरेंस कभी समझ में नहीं आता, अब आपको समझ में आ रहा है, अच्छा यार ये तो डेल्टा यू। लिख लें, और अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है तो एक रेफरेंस पॉइंट को मानना जरूरी है। भाई इतना बाहर यहाँ जगह है, यहाँ जा, हाँ आ जा, यहाँ जगह बैठ जा, तो देख लिया था जहाँ स्पेस हो वहाँ, ऐसा नहीं है कि पीछे जाके ही बढ़ना है, इधर जगह पड़ी देख, फर्स्ट बेंच पे 3 बच्चों की, यहाँ 2 बच्चों की, एक बार देख लेना चाहिए, परेशान होके नहीं बढ़ना है। चलिए पोटेंशियल जी का फॉर्मूला, माइनस PE cos थीटा। अब यहीं से आता है इक्विलिब्रियम, तो 3 एंगल पर आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल के बताइए मुझे, एक बार 0 पर, एक बार 180 पर और एक बार 90 पर, तीनों पे निकाल के बताइए, केवल थीटा की वैल्यू पुट करिए और पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, फॉर्मूला आपके सामने है, थीटा अलग अलग 3 पुट करिए,
थीटा पुट करिए, तीन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए। जब थीटा जीरो रखोगे तो यू आएगा माइनस पी ई कॉस जीरो, तो माइनस का पी ई, कॉस 180 रखोगे तो माइनस का वन, तो माइनस माइनस प्लस, और 90 पे तो जीरो आनी ही थी क्योंकि वो हमने रेफरेंस माना था। अब आप देखो पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल में प्लस माइनस बहुत महत्व रखते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ये डायग्राम फिर बना लो नहीं तो ये परेशान करेगा। 0 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, माइनस 3, माइनस 5, सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है। माइनस 5 आपको दिख रहा है, माइनस 3 नहीं, माइनस 3 से भी छोटा है। ऐसे रटना नहीं, माइनस आ गया फिर 5 बड़ा हो गया, इससे बढ़िया ये चार्ट कभी दिक्कत ही नहीं है। ऊपर सबसे बड़ा, नीचे सबसे छोटा, यही काम करता है पोटेंशियल एनर्जी में भी। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 5, माइनस 12, कभी भी इनका डिसीजन लेना हो इस चार्ट से लीजिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी कौन छोटा है कौन बड़ा है। सीधा ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, नीचे घटता जा रहा है, कभी सोचना ही नहीं माइनस 5 नहीं यार, 5 तो बड़ा होता है पर माइनस लगने से वो छोटा हो गया, इतना कहीं जरूरत नहीं है। सीधा इससे बताइए किसके लिए बात कर रहा हूं, पोटेंशियल के लिए और पोटेंशियल एनर्जी के लिए, क्योंकि इनके लिए एक रेफरेंस परिभाषित होता है। ये सबसे छोटी एनर्जी है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बड़ा है। केवल ये रेफरेंस के लिए डिफाइंड होता है। आप सोचो मैं वेलोसिटी के लिए परिभाषित कर लूं, वेलोसिटी ऊपर प्लस 5 है नीचे माइनस 5 है, तो प्लस 5 तो बड़ी हो गई, माइनस 5 छोटी हो गई। नहीं भाई, वो प्लस 5 माइनस 5 क्या बता रहा है, डायरेक्शन। ये किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, जिनके लिए रेफरेंस को जीरो मानना पड़ता है वो इंपॉर्टेंट है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। वर्क डन आ रहा है 100 जूल, एक में आ रहा है माइनस 100 जूल, आप सोचो 100 जूल बड़ा है माइनस 100 छोटा है, भाई माइनस 100 छोटा थोड़ी ना है, प्लस माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि अगर वर्क डन प्लस आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की बढ़ रही है, माइनस आ रहा है तो घट रही है। ये कैसे कंपेरिजन होगा, आप सोचो एक 100 न्यूटन का बल है और एक माइनस 100 है, इसको आप कंपेयर कर रहे हो छोटा बड़ा, तो आप मूर्ख हो, क्या फिजिक्स पढ़ रहे हो, 100 माइनस 100 कोई छोटा बड़ा थोड़ी ना है, प्लस 100 माइनस 100 सिर्फ क्या बता रहा है, डायरेक्शन। बात को समझने का प्रयास करिए। पर यहां जब हम रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो रेफरेंस वाली क्वांटिटी में ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है बात, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये परेशान हो जाते हो जब सवाल ऐसा आता है पोटेंशियल और एनर्जी का। अब बताइए इसमें छोटा कौन, ये सबसे छोटा, तो इसे क्या बोलते हैं, मिनिमम। इसे क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। सोचिए अगर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो इक्विलिब्रियम कैसा होता है, स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और मैक्सिमम में अनस्टेबल। अब ऐसा क्यों होता है, अब अपन इसकी फिजिक्स देखते हैं। ये तो हमने रटा रटा लिख दिया, वर्क एनर्जी में सर पढ़ाएंगे परवेज सर, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। केमिकल बॉन्डिंग में तो काम में लेते हैं चलते फिरते, क्या यार स्टेबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब एनर्जी कम है, मिनिमम है, सबसे कॉमन यूज होता है। चलिए ये क्या बात नोट डाउन हो गई, क्या देख लें अच्छे से, फिर मैं अब इसका आपको फील दिलाता हूं कि 0 डिग्री पर स्टेबल आप क्यों बोल रहे हो, 180 पर अनस्टेबल क्यों बोल रहे हो, उसको अपन फील करते हैं। तो पहले तो इसको फाइनल कॉल लिख लो क्योंकि बहुत पूछा जाता है, आपको कहे स्टेबल तो आपको तुरंत सोचना है थीटा 0, आपको कहे अनस्टेबल थीटा 180, थीटा किसके एंगल के बीच में है, थीटा बोलने से काम नहीं चलता, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ना पड़ता है,
केवल 0 डिग्री बोलने से कैसे बढ़िया काम लगेगा, थीटा किसके बीच का एंगल है, पी वेक्टर और ई वेक्टर, ये बोलना बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गई आपकी स्थायी साम्यावस्था, और ये है अस्थायी। और इस समय स्टेबल पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, मिनिमम, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। बड़े आगे अब अपन फील करते हैं स्टेबल का मतलब क्या है। स्टेबल का वही मतलब है जो आपने पूरे कुलम में इलेक्ट्रो में पढ़ा था, कि अगर किसी पार्टिकल को उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कर दिया जाए तो वो वापस आने की इच्छा रखता है, और अगर आप डिस्प्लेस कर दो और कभी वो वापस लौट कर नहीं आए तो उसे बोलते हैं अनस्टेबल। यही सचमुच की परिभाषा है जो हर जगह बिल्कुल सही वैलिड है। अब आप देखना कैसे स्टेबल है कैसे अनस्टेबल है, आराम से 5-7 मिनट खर्च करिएगा तभी इसके एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं डिराइव कर पाऊंगा कि बेटा ये भी एंगुलर एसएचएम करेगा, देखना आराम से समझिएगा, पूरा समझ में आए उसके बाद नोट करना। तभी इसके हम टाइम पीरियड को डिराइव कर पाएंगे अच्छे से। तीन सिचुएशन है, पेन पेंसिल छोड़ो, आराम से एंजॉय करो, कोई डायग्राम बनाना नहीं है, ये केवल फिजिक्स की फील करने के लिए। यार फिजिक्स एक सब्जेक्ट ऐसा है जो ब्रेन को इवॉल्व करता है, वो इवॉल्व करने के लिए जरूरी है आप अंडरस्टैंडिंग को अच्छे लेवल पे ले जाएं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बताइए कौन रखे गए हैं, 2 चार्ज। दिमाग में पहला फ्लैश, जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर फोर्स लगता है, प्लस पे फोर्स आगे कितना क्यूई, माइनस पर पीछे क्यूई। डाइपोल मोमेंट की दिशा बताओ, माइनस से प्लस, तो देख पी वेक्टर भी आगे, ई वेक्टर भी आगे, थीटा 0। फील करते रहो हर छोटी बात, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं, नेट फोर्स 0, बढ़िया चकाचक, दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन भी, भाई साहब टॉर्क भी, टॉर्क 0 फोर्स 0, कंप्लीट इक्विलिब्रियम। सर मैं फॉर्मूले से टॉर्क निकाल लूं क्या, मुझे लाइन ऑफ एक्शन समझ नहीं आता, कोई बात नहीं फॉर्मूले से देख, सब तरीके से समझाना है और क्या, तभी तो तुझे अच्छा लगेगा कि मुझे बढ़िया समझ में आ रहा है। फॉर्मूले से देख, थीटा कितना 0, पीई साइन 0। डर हटाना चाहते हो, डर हटेगा तभी तो घर पे पड़ेगा भाई, नहीं तो भागता रहेगा ना फिजिक्स से। देख टॉर्क 0, फोर्स भी 0, इसे बोलते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम। जीवन भर डाइपोल इसी में पड़ा रहेगा तो कोई मतलब नहीं है, नेट फोर्स भी 0, टॉर्क भी 0। अब आपने छेड़खानी करी, आपने कहा यार मैं इस डाइपोल को हिला देता हूं, ये ऐसे रखा गया है, इसको हाईलाइट कर देता हूं चार्जेस को, ये चार्जेस है। अब मैंने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया हल्का सा, देखिए ऐसे था ऐसे कर दिया, ये वाला प्लस कहाँ जाएगा ईमानदारी से बताइए, ऊपर, देख ऊपर चला गया, और ये माइनस वाला कहाँ आ गया, नीचे। क्या आप यहां से यहां समझ पा रहे हैं, क्या किया हमने, डिस्प्लेस, स्लाइड डिस्प्लेस किया। स्लाइड शब्द बोल के शायद आपको चमक रहा होगा, स्लाइड बोलना जरूरी है, थीटा स्मॉल बोलना जरूरी है। अब बताना इस पर फोर्स आगे, इस पर फोर्स, बताइए क्या कपल पैदा होगा, अच्छे शब्द बोलो, टॉप नहीं और बेहतर शब्द कपल, दोनों फोर्स बराबर हैं और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन, क्या पैदा होगा, कैसे घूमेगा, जरा सोच के देखिए, यहां फोर्स आगे लग रहा है, कैसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा। आपने इसको स्टेबल से ऊपर ले गए पर इसके आने की इच्छा वापस नीचे है, दैट्स व्हाई 0 डिग्री इज कॉल्ड स्टेबल। यहां से जो आपने निकाला ये तो एक जनरल बात से निकाला,
पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबल है, ये फिजिक्स की फील है कि सर मैं नहीं मानता ये स्टेबल है, तो आपने इसको हल्का सा क्या किया, डिस्प्लेस। अब आप खुद सोचो, यहां से फोर्स लगा के अगर खींचोगे ना तो ये ऐसे घूमेगा। अब मैंने क्या किया, ये तो ऊपर डिस्प्लेस किया था, अब इसको मैंने कहां डिस्प्लेस किया, नीचे। कैसा, दोनों तरफ चेक कर लेते हैं ना क्या हो रहा है। देखो अब इसको नीचे किया, प्लस वाला कहां आ गया, नीचे, माइनस वाला कहां आ गया, ऊपर। आओ सीखते हैं वही बातें, प्लस पे फोर्स आगे, माइनस पे फोर्स पीछे। खुद बताइए कहां घूमेगा ये, कहां, ये तो घूमा था ऐसे, ये कैसे घूमेगा, आप खुद सोचो ना, खुद मत सोचो। यहां से पकड़कर इसको धागा मान के यहां से खींच दो, खींच दोगे तो कैसे घूमेगा, ये उल्टा। बताइए वापस दोनों ही कहां जाना चाहते हैं, अपने स्टेबल पोजीशन की तरफ। ऐसे था तो नीचे आना चाहता था, नीचे गया तो ऊपर आना चाहता था, तो अब प्रूफ हो गया थीटा 0 डिग्री पर इक्विलिब्रियम कैसा है। और मजे की बात, ये स्टेबल पे आके रुकेगा नहीं, वही पुरानी कहानी, जब वो स्टेबल पे आ रहा होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी गेन हो गई होगी, उस काइनेटिक एनर्जी कारण कहां जाएगा, नीचे। पर जैसे नीचे जाएगा रिस्टोरिंग टॉर्क ऊपर लगेगा। इस तरह से अपनी मीन पोजीशन के अबाउट एंगुलर एसएचएम करने लग जाएगा, प्रोवाइडेड थीटा इज वेरी स्मॉल। एम्स में आया हो, इसका टाइम पीरियड निकालना, अभी निकालेंगे थोड़ी देर, पर आपको एसएचएम की फील आ रही है कि भाई एसएचएम क्यों कर रहा है, स्टेबल से डिस्टर्ब किया, ऊपर गया, वापिस जब वो नीचे आ रहा था तो यहां तक आते आते उसकी खास काइनेटिक एनर्जी का गेन हो चुका है, उस काइनेटिक एनर्जी कारण वो अपने आप को रोकेगा थोड़ी ना, उस काइनेटिक कारण कहां जाएगा, नीचे। क्या बात क्लियर है, क्या डायग्राम बना लीजिए और लिख लीजिएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम से कोई एक बना लीजिए, नीचे वाला बना जरूरत ही नहीं है, समझने के लिए था। स्टेबल इक्विलिब्रियम से अगर मैं इसको स्लाइड डिस्प्लेस करूंगा, स्लाइड करने के लिए जरूरत है एसएचएम के लिए, कंडीशन एफ बराबर माइनस के एक्स की पावर वन, स्लाइड डिस्प्लेस करेंगे, देन द बॉडी विल परफॉर्म एंगुलर एसएचएम। बना ले, कोशिश करेंगे कि आज पूरा हो जाए, नहीं है तो मेरे पास कल का एक दिन और है, 22 लेक्चर का है, कल 22 है 23 है, 22 है ना कल, इसमें आता होगा ना, 21 हाँ 22 अपने पास अलॉटेड है, तो अपन सही समय पे खत्म कर लेंगे, आज ही कोशिश करेंगे, एक दिन अपने पास बचा रह जाएगा, नहीं तो कल प्रैक्टिस कर लेंगे। और कल ईएलपी जरूर लाइएगा, 10 11 12 जितने भी उसमें सवाल फंसे हुए हैं सब मैं बोर्ड पर कराऊंगा, 10 11 12 कल ईएलपी जरूर लेकर आइएगा। ईएलपी बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत तरीके से सीक्वेंस वाइज उसमें क्वेश्चन जमे हुए हैं, इसलिए ईएलपी आप करते चलेंगे, उसके बाद आपको आप मॉड्यूल करो, पीवाईक्यू करो, सॉल्व एग्जांपल करो, सब आपके समझ में आएंगे। पर उससे पहले क्लास नोट्स और ईएलपी बहुत दमदार तरीके से करो। इस सप्ताह इलेक्ट्रो और पढ़ो, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, क्योंकि इलेक्ट्रो बड़ा चैप्टर है, अभी आपने इसको समय दे दिया डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे रोज, तो 8 से 10 घंटे में ये और अच्छे लेवल पे तैयार हो जाएगा। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पहला इलेक्ट्रोस्टैट 6 सेक्शन में बटा हुआ है, आप तैयारी ऐसा करो कि आज मैं कूलम सोर्स तैयार करना है मुझे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करना है, फिर फ्लक्स एंड गॉस, पोटेंशियल, कंडक्टर, डाइपोल। अब कंडक्टर डाइपोल तो आप खुद ही समझ रहे हो, एक दिन का कंडक्टर एक दिन का डाइपोल है, तो मजे ही किसमें है, पोटेंशियल में, फ्लक्स गॉस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां समय ज्यादा लगता है। तो एकदम क्लियर मैसेज से तैयारी करोगे ना तो आपको डिस्टिंग्विश लगेगा, हाँ यार ये फ्लक्स गॉस है, ये पोटेंशियल है, 3 प्रश्न हर साल आते हैं इलेक्ट्रो के। बढ़ूं आगे,
अब थोड़ा सा मैकेनिक्स से इसका कंपैरिजन कि हमें कल चाहिए होगा या अभी चाहिए होगा। जैसे यहाँ एफ बराबर एम ए चलता है तो यहाँ टॉ चलता है आई अल्फा, यहाँ मास होता है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, यहाँ एक्सलेशन होता है, यहाँ एंगुलर एक्सलेशन होता है। यहाँ एस एच एम की शर्त होती है ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहाँ ए नहीं अल्फा, एक्स नहीं थीटा। यहाँ टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, या रूट एम बाई के नहीं याद करना, तो आप एक ही याद करो, दोनों में लग जाता है वो, टी बराबर 2 पाई बाय ओमेगा, ज़्यादा अच्छा है 2 पाई बाय ओमेगा, ये एस एच एम की शर्त है। ये लीनियर एस एच एम कहलाता है, ये एंगुलर एस एच एम कहलाता है। बड़े जल्दी आओ, अब एनसीईआरटी चैप्टर वन खोल सकते हैं। एनसीईआरटी चैप्टर वन के सॉल्व एग्जांपल, पीछे के क्वेश्चन अब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, करने ही चाहिए। 7 8 8 10 10 6 5 जो भी एक नंबर बना लें, और उन 6 क्वेश्चन को ही अच्छे से करें, अनसॉल्व करें, पीछे के सॉल्व एग्जाम्पल करें, सब बन जाएंगे। काफ़ी हमने ईएलपी में उसको समय समय पर कवर कर लिया है। चलें बढ़े आगे, लिखें आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, कौन सा नहीं, ऐसा नहीं होता, वो तो किसी कंडक्टर के लिए बोलते हैं, तो सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ कर्वेचर। दो स्फीयर को अगर आप एक कंडक्टर से जोड़ दोगे वायर से, तो बाद में जो सिग्मा आएगा वो उनके आर के क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। आर स्क्वायर कभी नहीं आता, एक के लिए नहीं बोलते, एक के लिए कभी पूछता ही नहीं है वो एक का तो होते नहीं, वो फॉर्मूला बोल रहे हो आप, सिग्मा बराबर चार्ज बटे एरिया। चले बढ़े आगे, लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई आर्टिकल है ही नहीं, वो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, एक अकेला पॉइंट चार्ज कितना देता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, डाइपोल में कितने पॉइंट चार्ज हैं, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, उनका रिजल्टेंट वेक्टर हम निकाल लेंगे, वेक्टर में फंस जाएंगे, परवेश सर को याद कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा। दो बातें लगानी है, पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर स्क्वायर, डाइपोल में कितने चार्ज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उन दोनों का मुझे क्या निकालना है, वेक्टर सम। इतनी क्लियरिटी लाओगे ना तो पढ़ने का आनंद आ जाएगा कि सर करना क्या चाहते हैं। जैसे ये डाइपोल बनाया माइनस से प्लस, ये वाली लाइन है इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल, क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये वाली लाइन इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डाइपोल मोमेंट बनाना है, कहां से कहां बनता है बताओ, माइनस से प्लस, एकदम क्लियरिटी लाओ। ये वाली लाइन हमेशा एक्सिस कहलाती है, जो डाइपोल मोमेंट कहलाओगे 90 डिग्री पे कौन सी कहलाएगी, बाइसेक्टर, पहले बना लो। अब आपको 12वीं बोर्ड के या लास्ट ईयर के याद हो, अब इसके अलग अलग केस आते हैं, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एंगल। बना लीजिए,
चलो पढ़े आगे। अब इसका केस वन लिखिए, केस वन लिखिए ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। केस वन लिखिए ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। चलो सभी को याद भी है, बिल्कुल याद ही रखनी चाहिए। एक बार मैं आपको सिस्टम से बताता हूँ, देखना सभी लोग बोर्ड पर पेन पेंसिल छोड़ो। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये आपका पॉइंट। बताइए पॉइंट कहाँ प्रेजेंट है? एक्सिस पर। दूरियां अच्छे से मेजर करना, सेंटर से दूरी नाप रहे हैं। ये दूरी आर, ये टोटल दूरी थी 2a, तो ये दूरी a, ये दूरी a, ये पॉइंट b, ये पॉइंट a। कहां पर फील चाहिए? P पर। अब आप इसको एक न्यूमेरिकल की तरह करो, भले ही आपको आंसर रटना है, मुझे भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस याद करना है, 2kp/rq, यही काम का है। बिल्कुल सही क्या आप कह रहे हैं, पर आप इसको एक न्यूमेरिकल की तरह लो तो आपको कुछ और बातों में मजा आएगा कि अच्छा यार इस तरह से फाइनल रिजल्ट काम का है, एकदम रटा होना चाहिए, थम्स अप है। एक्सिस पर 2kp/, परफेक्ट, याद होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। पर 5 मिनट देने से और बातें पकड़ में आ जाएंगी, वो बातें पकड़ लेते हैं। पेन पेंसिल छोड़ो, मुझे ध्यान दो, मुझे कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए? मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो 3 सेंटेंस याद आता था, जिस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पे टेस्ट चार्ज रखो, टेस्ट चार्ज का नेचर चलेगा, दौड़ेगा कौन? चलो माइनस का बताना, माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा E1। सोच के बताओ E1 क्या लिखोगे? के क्यू दूरी, ए से लेकर पी तक की दूरी, R plus A का होल स्क्वायर। ये कहाँ आई? एट पॉइंट P, किसके कारण? माइनस क्यू के कारण। सर प्लस क्यू भी तो देगा, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा E2। दूरी बताओ KQR-A। एक छोटा सा रिवीजन हो गया, आपने यहां माइनस क्यू प्लस क्यू नहीं रखा, तीर का निशान आ रहा है, माइनस क्यू प्लस क्यू नहीं रखेंगे। तो ये डेरिवेशन से हमें बेनिफिट मिलता है, सब्जेक्ट और एनरिच होता है कि हाँ बातें रिवाइज हो रही हैं सर। ये माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड राशि सर, ये प्लस क्यू के कारण है। अब आप खुद बताना घटेंगी या जुड़ेंगी? क्यों? दोनों विपरीत दिशा में है, दोनों विपरीत दिशा में, तो क्या होंगी? घटेंगी। घटेंगी अब बड़ा कौन? ये छोटे से घट डिवाइड कर रहे हो, छोटे से डिवाइड कर रहे हो तो आने वाला आंसर, इट मींस E2 इज ग्रेटर देन E net, E2 माइनस E1। E2 रख दीजिए, KQ/R-A का होल स्क्वायर, KQ/R+A का होल स्क्वायर। आइए बराबर और बताइए, E2 बड़ा है तो नेट डायरेक्शन कहाँ आएगी? E2 की डायरेक्शन। ये अपने आप में एक सवाल है, बढ़िया, वो यहीं से समझ में आता है। एक्सिस पर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0। देख अच्छे से, जो अपन ने 8 मिनट मेहनत करी उसका फायदा तो उठा के जाओ। E2 बड़ा है या E1 बड़ा है? तो बता नेट कहाँ बचा? बाहर। डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस बाहर, पी वेक्टर भी बाहर, ई वेक्टर भी बाहर। तो एक छोटा सवाल बन गया नीट का, एक्सिस पर पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री। ये नीट का सवाल बन गया। अब सीधा रटोगे और समझ लिया, अब याद करने में अच्छा लगेगा। ई नेट बाहर है क्योंकि E2 बड़ा है, और P भी बाहर है, P और E के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो सीधा याद होना चाहिए, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑन द एक्सिस इज 0।
चल कॉमन ले ले, क्या आएगा, के क्यू कॉमन, एलसीएम बोलो, आर माइनस ए आर प्लस ए, सॉल्व करें। कर दूं, नेक्स्ट करूंगे, जल्दी आओ। आज का होमवर्क लिख लें, ईएलपी नंबर 11 12 निपटानी ही है, छोड़ना नहीं है। तो आगे मैं स्लाइड पे सॉल्व कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ स्लाइड पे सॉल्व, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम 10 मिनट क्यों खर्च करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। देखें तो के क्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 4ar, ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2 आएगा यहाँ पर। अब ठीक है, चलो जैसा आप बोले, तो 2ar 2ar 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस 4 को तोड़िए, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 में तोड़ दीजिए। अब बताइए ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, q इंटू 2a ये क्या बन गया, p बन गया। तो बताइए e नेट कम्स आउट टू बी 2 k p r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब स्पेशल केस, अगर आर बहुत दूर है, इसी के लिए नाटकबाजी कर रहा हूं, ये सवाल आ जाता है, बच्चे क्या लगा देते हैं, बहुत दूर है, आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी तभी मजा आएगा। बढ़िया बढ़िया किताबों में गलत सॉल्व कर रखा है, 2023 का सवाल ये देखिए। अब बच्चे ने क्या देखा, अरे ये तो डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, यहां तक बात सही है, ये पॉइंट एक्सिस है, ये बात भी सही है, पोटेंशियल पूछा है, तुरंत उन्होंने पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दिया। अभी मैं भी आपको बताऊंगा, के पी कॉस थीटा, थीटा जीरो एक्सिस पर, बटे आर स्क्वायर, आंसर ही नहीं आएगा, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर या इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के पी बटे आर क्यूब इज वैलिड ओनली वेन पॉइंट पी इज वेरी फार। कहां वेरी फार है भाई, ये 5 है और ये दूरी 6 है, कहां वेरी फार है, ये तो लगभग बराबर दूरी पर है, तो यहां ये वाले फॉर्मूले नहीं लगेंगे, इसलिए वो माथापच्ची करके जा रहे हैं, किताबों में सीधा सॉल्व किया हुआ है और कह रहे हैं नन ऑफ ऑप्शन इज मैचिंग। भाई गलत है, फॉर्मूले नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो फॉर्मूला कब वैलिड है, जब दूरी बहुत ज्यादा हो। अपन को क्या लगता है, डाइपोल है, यहां तक सही लगा, पॉइंट पी एक्सिस पर है, बिल्कुल सही लगा, एक्सिस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला बिल्कुल सही चमका, पर यहां के बाद एक बात और चमकाइए, ये फॉर्मूले तब वैलिड हैं जब दूरी बहुत ज्यादा हो। दूरी बहुत ज्यादा है कहां, दूरी तो 5 है और डाइपोल के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, इसलिए वो डेरिवेशन में हम 10-12 मिनट खर्च कर रहे हैं,
ताकि आपको बात क्लिक करे कि हाँ यार वो फॉर्मूला हमेशा के लिए वैलिड नहीं होता, हमेशा के लिए वैलिड नहीं है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। हाँ अब अगर बहुत दूर है तो आ जाएगा, बहुत दूर है तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लगभग इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि ए बहुत छोटा है। तो बताइए आंसर क्या आ जाएगा, 2 KP r, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर r4, ये आ गया आपका 2 KP/r। याद करिए आंसर, कोई टेंशन नहीं है बिंदास, पर पूरी बात याद करिए, वेरी फार के लिए ही एप्लीकेबल है, नहीं तो वहां दिक्कत आ जाएगी 2023 में, अभी 7 मई वाले पेपर में। ये जनरल फॉर्मूला है, ये हर जगह लगेगा, हर जगह, ये केवल तभी लगेगा जब पॉइंट पी इज वेरी फार, इस बात को एम्फेसिस करिए। इसलिए वो हम डेरिवेशन के पीछे भाग रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स के पीछे भाग रहे हैं कि नहीं यार, कॉन्सेप्ट और एनरिच करने, केवल रटने से काम नहीं चलेगा। बढ़े आगे, डेरिवेशन नहीं रटिए, कहीं आवश्यकता नहीं है दूर दूर तक, आप सीधा आंसर याद करिए, बस साथ में वो रिजल्ट पता होना चाहिए कब वैलिड है, जब आर बहुत दूर हो। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़े, लिखें केस 2, जल्दी आओ जल्दी आओ। केस 2 आसान है, डाइपोल में आप देखो ना, कुछ भी ऐसी बात पढ़ी ही नहीं, सारी बात कौन सी पढ़ी है, एफ बराबर क्यू ई पढ़ा हुआ था, वर्क पढ़ा हुआ है, वर्क बाय डेल्टा यू पढ़ा हुआ है, सब जो बातें पढ़ी हैं उन्हीं का उपयोग कर रहे हैं बस, क्योंकि पॉइंट चार्ज की तो आपने पढ़ी हुई है ना, यहाँ कितने पॉइंट चार्ज हैं, दो, एक प्लस और एक, तो दिमाग में क्लियरिटी रखो ना, कोई नई बात कहाँ पढ़ रहे हैं, प्लस की निकाली माइनस की निकाली रिजल्टेंट निकाल दिया, आता जा रहा है आंसर। चलिए लिखें केस 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल बनाइए, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये वाली लाइन को क्या बोलिए, एक्सिस, ये वाली लाइन को क्या बोलिए, बाइसेक्टर। अब पॉइंट यहां है आर दूरी पर, अब सबसे पहले डायरेक्शन देखना, यहां 180 डिग्री आएगा, वो देखना 180 डिग्री कैसे, समझ में आएगा, मजा बोर्ड पे देखें सभी लोग, पहले डाइपोल मोमेंट बताओ कहां से कहां, माइनस से प्लस, आराम आराम से सीखो, डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस, पहली बात ओके करो। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहां क्या रखा, टेस्ट चार्ज, तीन बातें हमेशा चिपक के चलनी चाहिए, जिस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां टेस्ट चार्ज रखो, टेस्ट चार्ज का नेचर पॉजिटिव, चलेगा दौड़ेगा कौन बताओ, माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, प्लस इसको रिपेल करेगा, दोनों बराबर हैं, रिजल्टेंट बीच में आएगा। देखो पी आगे है, ई पीछे है, थीटा 180, तो याद रखिएगा, इक्वेटोरियल पर बच्चे एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री। फॉर्मूला सभी को याद है, कितना कितना, 2 नहीं आएगा, कितना आता है, KP/r³, KP/r³। अभी कोविड वाले पेपर में, 2020 के कोविड वाले पेपर में जो हुआ था, उसने इसी का एक वेक्टर फॉर्म दे दिया बड़ा सुंदर, वो देखिए, माइनस लगा दिया, अपनी एनसीईआरटी में सिर्फ KP/r³ है, पर जिसने समझा है वो ज्यादा अच्छा देगा इसको, देखो वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, पी और ई दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, देखो क्या है, माइनस, न्यूमेरिकल के लिए आप मस्त यूज करो, सब चकाचक आंसर आएंगे, पर मान लो उसने वेक्टर फॉर्म में पूछ लिया, तब माइनस लिखना जरूरी है, क्योंकि पी और ई दोनों एक दूसरे के अपोजिट, इक्वेटोरियल पर,
वेक्टर फॉर्म, छोटी छोटी बातें, बढ़िया सवाल सॉल्व करवा देंगे इक्वेटोरियल पर, वेक्टर फॉर्म, नीट। माइनस क्यों आया, कारण बताइए, माइनस का कारण यहां लिख लीजिए, माइनस का कारण। फिजिक्स में हालात हम सबको एक दूसरे की पता है, काय को शर्म करें, लिखते जाएं, कहीं छुपी हुई नहीं है। माइनस का कारण, एंगल बिटवीन पी और ई कितना है, 180, लिखते चलो। लिखिए, तेरे से बात कर रही है, तेरे से कर रही है, तेज बोल। और क्या, और क्या, सेम एजम्पशन ही चलेगा, वही वही चल रहा है कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आर बहुत दूर है, करेक्ट 100%। बढ़े क्या आगे, तीसरा लिखिए, जल्दी आओ, इतना धीमे कैसे आज, आज बहुत धीरे। चलो जल्दी आओ, संभालिए। माइनस क्यों आ रहा है, माइनस क्योंकि ई और पी दोनों अपोजिट दिशा में, देखो हर बात का लॉजिक है, कोई बात हवा में नहीं है। पी वेक्टर इधर है, ई वेक्टर इधर है, दोनों 180 पर हैं, इक्वेटोरियल पर 180 होता है, पूछ लेगा वो। और 180 डिग्री देखो कितना बढ़िया यूज किया है, माइनस लगा दिया फॉर्मूले में, हर चीज काम की है, फॉर्मूला ही पूछ लिया, पर फॉर्मूले में एक में प्लस है और एक में माइनस, माइनस साइन का अपन को प्रभाव पता होना चाहिए। केस नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, ये थोड़ा सा डरावना फॉर्मूला है, पर याद है तो अच्छी बात है। ये माइनस, ये प्लस, ये आपकी एक्सियल लाइन, ये आपकी एक्सियल लाइन, ये पॉइंट पी कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, कितने एंगल पे, थीटा, थीटा। आंसर याद है इसका, एट एनी पॉइंट का, बोलो, के पी बटे आर क्यू अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर। एक बार यही पूछ लिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का दूरी के साथ वेरिएशन आप तीनों में देख लो, तीनों में देख लो, आर क्यू कहां आ रहा है, नीचे। तो याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्यूब के क्या है, इनवर्सली डाइपोल के कारण, क्योंकि जनरल फॉर्मूला पता है, वो बदमाश है एग्जामिनर, जानता है ना, बच्चे को तो k³r² रटा हुआ है, तो आर स्क्वायर ही बोलेगा, पर सवाल ध्यान से नहीं पढ़ रहा, उसने किसका पूछा है, डाइपोल का, तो डाइपोल के हर फॉर्मूले में नीचे क्या आ रहा है, आर क्यूब। छोटी छोटी बातों पर तो अटैक करना है भाई, पेपर तो सरल आएगा ना, एक मिनट में ही सवाल हल होना है, बस सही थॉट आना चाहिए, क्योंकि अपने दिमाग में बैठ जाता है k³r² तो आर स्क्वायर टिक करने का मन करता है, और उसने डाइपोल पूछा है, तो आप डाइपोल के तीनों फॉर्मूले देख लो, के आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें एक बात और पूछी जाती है, जेई मेन में आई हुई, अपने नीट में तो कभी नहीं आई, जो रिजल्टेंट फील्ड आती है वो कहीं यहां आती है, और वो इस लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाती है, तो ये जो अल्फा आता है, इसका एक फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ थीटा,
टेन अल्फा बराबर हाफ टेन थीटा। डिराइव कर सकते हैं, बहुत आसान है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड कर दीजिए, टू का फैक्टर ही तो आ रहा है, देख लो आप, एक्सिस में टू आ रहा है, इक्विटोरियल में टू नहीं आ रहा, और टू का फैक्टर दिखता है। नीट में कभी प्रश्न नहीं आया पर अपन को आना चाहिए। वापिस समझाता हूँ सर क्या बोल रहे हो। पी पर ये नेट फील्ड है, ये नेट फील्ड इस लाइन से कितना एंगल पे बना रही है अल्फा, और कोई एक्सिस से पूछ ले तो बताओ कितना हो जाएगा, ये थीटा और ये अल्फा, टोटल थीटा प्लस अल्फा। अगर फ्रॉम एक्सियल लाइन पूछ ले, जेई मेन में एक बार पूछा गया है, फ्रॉम एक्सियल लाइन तो एंगल हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। ये वाली बात धीरे धीरे फिर से बोलता हूँ, थोड़ी सी कठिन हो गई होगी, ऊपर से गई होगी, आइए फिर से इसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो अपने मन से लगा रही थी, तो पहले से भी लगा रही थी, बोर्ड से देख के लिखे ना, फिर मन से लिखना तो घर पे लिख लिया जाता, राइट, ध्यान रख। चलो अब बताओ अल्फा थीटा क्या है, पहले समझो। थीटा तो है ये वाला एंगल जहां आपको फील चाहिए। अगला बोलो, इस बिंदु पर जो नेट फील्ड आ रही है वो ऐसे आ रही है। मैं आपको ये बता सकता हूँ ऐसे क्यों आ रही है, काटा कूटा करूंगा डायग्राम में, आप मत बनाना, आप सिर्फ समझ लेना, थोड़ा तो आपको समझाने का प्रयास कर लेता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। देखें क्या किया, जो डाइपोल मोमेंट था ऐसा, ये डाइपोल मोमेंट था आपका, है ना, पी वेक्टर, इसके कंपोनेंट कर लिए, एक पी कॉस और एक पी साइन, कितने डाइपोल बन गए बताइए, दो। अब देखते जाना आपको समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट बताओ इस पी कॉस के कहां हो गया, एक्सिस पर, ये बिंदु इस पी कॉस के एक्सिस पर, एक्सिस पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री पे होती है, जहां डाइपोल वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, ई आगे आएगा, यही बिंदु इस वाले पी साइन थीटा के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, तो बताइए पी नीचे है तो ई ऊपर होगा, ये ई वन और ये ई टू, बताओ इन दोनों रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इसके बीच में, ये देखिए बीच में, शब्द उर्दू के थे, कैंसिल कर दीजिए, भूल जाइए, कोई काम के नहीं थे, हटाइए। सीधा अपन को पता होना चाहिए कि जो रिजल्टेंट फील्ड है वो इसके साथ कितना एंगल बना रही थी, अल्फा। कोशिश करके समझाया आपको, अपील करी, समझ में नहीं आया कैंसिल कर दी, सीधा याद कर लीजिए टेन अल्फा बराबर हाफ टेन थीटा। बोलो हाँ है क्या, चलो आगे बढ़े, लिखिए आर्टिकल नंबर 4, 5, 5, चौथा इलेक्ट्रिक फील्ड का था, लिखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। कल का टारगेट क्या है, ईएलपी नंबर 10, 11, 12 लाइएगा, इसके जितने भी फंसने वाले सवाल हैं सारे करेंगे, पहले आधा घंटा डाइपोल और पढ़ाऊंगा, इसके कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, आज एक भी नहीं कराया क्योंकि तो सब फॉर्मूला बेस्ड बनते हैं जितने भी आए हैं, कल कुछ टाइम पीरियड वाले आईआईटी के जो क्वेश्चन है वो करेंगे, फॉर्मूला बेस सारे आप कर लेंगे, सब में दे रखे हैं यहाँ 10, 11, 12 में। कल आधा घंटा पहले डाइपोल पढ़ेंगे और फिर ईएलपी नंबर 10, 11, 12 को जितने भी इसमें आपके अटकने वाले सवाल हैं वो अपन करके इसको फाइनल टच दे देंगे कल, ठीक है। चलिए अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल। अब जरा खुद जल्दी से सोचिएगा, करने की जरूरत ही नहीं है, पेन पेंसिल छोड़िए, ये माइनस क्यू और ये मान लो बाइसेक्टर पे पूछा है, बाइसेक्टर पे पूछा है, दिमाग चलाओ, बाइसेक्टर पर पोटेंशियल कौन कौन देगा, दोनों देंगे, ये देगा
प्लस क्यू बटे दूरी, ये देगा के माइनस क्यू बटे दूरी, दोनों की दूरी बराबर, चार्ज भी बराबर। तो बताइए इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल कितना? इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल जीरो, हमेशा हमेशा जीरो। मान लो एक्सिस पे पूछना है, आप इसको एक न्यूमेरिकल की तरह लोगे, फॉर्मूला तो याद कर ही लोगे यार, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। अब मेरा एक्सिस पे पॉइंट है, लो सर डिराइव करके देखते हैं एक बार इसको, ये कितनी दूरी पर है आर। चलो पी पर कौन कौन देगा पोटेंशियल? दोनों, बताओ माइनस क्यू के कारण, बताओ के अट्रैक्ट, पोटेंशियल स्केलर है, हीरे भरे पड़े हैं, हीरे नायाब, हीरे कोहिनूर। हाँ चलो संभालिएगा, पी पर पोटेंशियल कौन कौन देगा? दोनों, ये कितना देगा? के माइनस क्यू, पोटेंशियल में क्यू साइन के साथ। बूढ़े हो जाओगे बूढ़े तो अभी गलती होगा, क्यू रखू नहीं रखू, पिछले साल तो रखा था इस साल क्या करूं, ऐसे ही करते रहोगे। पोटेंशियल स्केलर है, क्यू को हमेशा साइन के साथ। हाँ जितने चिल्ला रहे इनका तो पक्का गलत होगा। के क्यू दूरी, यहां से दूरी आर प्लस ए, और दूसरे की बताओ, यहां से आर माइनस ए। चलो सिंपल क्या कर देंगे, एड पोटेंशियल स्केलर, ये बात फिर लिख लो, होशियारी में मर जाओगे, सीधा बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। लिख लो पोटेंशियल स्केलर है, क्यू को हमेशा साइन के साथ रखा जाएगा। देखो अपन से होशियारी नहीं, अपन तो जानते ना फिजिक्स की क्या हालत है तुम्हारी, अपने कमरा बंद, अपन सब एक दूसरे को जानते हैं, बाहर कोई तीसरे व्यक्ति मिले उसके सामने कॉलर ऊपर करो ना, मैं फिजिक्स में होशियार हूं, अपने आमने सामने क्या, अपन तो रग रग वाफिक है कि भैया तुझे कहां तक कितना आता है, इसलिए अपने सामने कोई होशियारी नहीं। बिल्कुल, अरे सर अभी सर मैंने शुरू किया है, कोई तीसरा व्यक्ति मिले, हाँ बोल फिजिक्स, हाँ तो थोड़ा एटीट्यूड अलग रखा करें। हाँ बहुत बहुत बढ़िया बेहतरीन, चलिए फटाफट टोटल पोटेंशियल निकालेंगे, दोनों को ऐड करना, सॉल्व करना जरूरी है, सॉल्व करने से फिर वही बात आएगी जो नीट 2023 में बच्चा गलत करता है, वो केपी बटा आर स्क्वायर नहीं लगेगा वहां, क्योंकि वो तभी लगता है जब आर बहुत दूर होता है, इसलिए आपको डिराइव करा रहे हैं कि यार ये बात दिमाग में बैठ जाए कि वो वाले फॉर्मूले केवल तभी लगते हैं जब काफी दूर है। सीख जाओगे वो बात, हमेशा के लिए तैयार रह जाएगी, सॉल्व करके देखो हर बार। किसी ने किया वी नेट वी वन प्लस V2, तो माइनस के क्यू बटे आर प्लस ए, के क्यू बटे आर माइनस ए, तो के क्यू कॉमन ले लो, एलसीएम आ जाएगा आर प्लस ए आर माइनस ए, यहाँ आ जाएगा माइनस आर प्लस ए आर प्लस ए, आर से आर कैंसिल, के क्यू टू ए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत पर्पस सॉल्व हो रहे हैं डेरिवेशन करने में, मैथ आ रही है, प्लस मैंने समझ में आ रहा है, q इंटू टू ए क्या बन जाएगा p, फिर आपको ये समझ में आ रहा है कि वो फॉर्मूला तभी लागू होगा स्पेशल वाला जब बहुत दूर होगा, इतने पर्पस सॉल्व हो रहे हैं, इसलिए आपको बहुत फंडामेंटल लेवल पर हर चीज सिखा रहे हैं कि यार एकदम रट्टाबाजी में मत जाओ, बहुत चीजों को समझते हुए बढ़ो। तो वी के पी बटे आर स्क्वायर माइनस ए, इस फॉर्मूले से करो हर जगह लगेगा, ये कहीं ये फेल नहीं होगा, पर आपको जो किताब वाला चाहिए R is very very greater than A, तब क्या बन जाएगा V axis में बताओ, KP by R square, पर ये केवल और केवल एक स्पेशल केस है।
ये देख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला जनरल है, ये फॉर्मूला जनरल है, हमेशा लगेगा। और अगर आर बहुत दूर है तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, के पी बटे आर स्क्वायर। इसी में तीसरा लिखिए, केस वन तो था, मतलब पहला पॉइंट इसमें कौन सा डाला आपने, ये वाला डाल दो, इक्वेटोरियल ए पार्ट, इसको डाल दो इक्वेटोरियल, है ना। और एक्सिस कहां से शुरू हो रहा था, ये, इसको बी पार्ट डाल दो एक्सिस, इक्वेटोरियल तो जीरो आ ही गया था। बढ़ो आगे, अब लिखो तीसरा, एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, बराबर आ जाओ, कोई पीछे रह गया हो तो। आपको तीन पार्ट समझ में आ रहे हैं कैसे किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे ही किया था ना, उसी अंदाज में पढ़ो ना। सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां निकाला था, एक्सिस पर, इक्वेटोरियल पर और बीच में कहीं, उसी अंदाज में आप पोटेंशियल के नोट्स बना रहे हो, एक्सिस पर, इक्वेटोरियल पर और बीच में कहीं। अब लिखिए सी पार्ट एट एनी पॉइंट, डायग्राम जरूर बनाइएगा इसका, और फॉर्मूला तो आप सभी को याद ही है, इसी तरह से आप डिराइव कर सकते हैं उसको। ये आर दूरी है, ये थीटा एंगल है, फॉर्मूला याद है किसी को, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, बस यही वाला, बस यही, के पी कॉस थीटा बटे आर, वेक्टर फॉर्म में एक बार आ गया था, के पी डॉट आर, नीट में ये पूछा गया था वेक्टर फॉर्म में, पी डॉट आर। तो अपने मन से लिखना है तो अपने मन से लिखे ना, वेक्टर फॉर्म में आर क्यूब आएगा। हाँ ये बात सही बोली, कभी कभी तो मैं 10 में से एक बार तो सही बोल देता हूँ सर। चलो यहाँ आर क्यूब आएगा, समझ में आया किसी को, क्यों, पी डॉट आर को खोलो, क्या आएगा, पी डॉट आर को खोलो, पी आर कॉस थीटा, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंसी तो आर क्यूब होती है, पर पोटेंशियल की डिपेंडेंसी आर स्क्वायर। ये मत सोचो ये आर स्क्वायर ही आएगी, इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आर स्क्वायर ही आएगी, ये पूछा गया था दो बार नीट में। और ये क्यों पूछा जाता है पता है, क्योंकि आपको तो रटा हुआ है पोटेंशियल तो होता है के क्यूब आई आर, पर उत्तर के क्यूब आई आर नहीं है, के क्यूब आई 1 बाय आर स्क्वायर है, वो पॉइंट चार्ज है और ये कौन है, डाइपोल। तो अच्छे से लिखना, डाइपोल के कारण। ये पूछा गया है नीट में, ये वाला फॉर्मूले बहुत हैं, पूरे इलेक्ट्रो में समय आ गया है, कल से शॉर्ट नोट बनाएं, सेक्शन ए जो जो काम की बातें हैं उसको लिखें, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सभी के शॉर्ट नोट बनाएं, पूरा इलेक्ट्रो 4 से 5 पेज में आ जाएगा जिसमें सारे फॉर्मूले। बहुत छोटा लिखने का प्रयास नहीं करें, बहुत छोटा लिखना शॉर्ट नोट थोड़ी ना होते हैं, बस आप इसी को छोटा छोटा लिख के ले आते हो, सर ये शॉर्ट नोट हो गए, कोई अपने पास कोई पन्ने की कमी थोड़ी ना है, या कोई अपन को फर्रे बना के थोड़ा ले जाने पेपर में, इतना छोटा लिखते हैं कि सर वो जेब में ले जाएंगे, तो इतना छोटा लिखना ही काहे को, नॉर्मल लिखो ना, भले ही वो एक पेज ज्यादा लग जाएगा, 2 हिस्से कर लो पेज के, 2 हिस्से, और उसको रेगुलर राइटिंग में लिखो। शॉर्ट नोट में बेसिक मानसिकता रहती है, इतना छोटा लिख देते हैं खुद पे पढ़ने में नहीं आता बाद में क्या लिखा हुआ है, ऐसा नहीं करें, नॉर्मल रेगुलर राइटिंग में लिखें, पर उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट लिखाए हैं सारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए। आर्टिकल नंबर नेक्स्ट लिखिए, मैं जा रहा हूं, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, मैं चला जाऊंगा। आर्टिकल नंबर 6,
इंटरेक्शन ऑफ टू डाइपोल्स, आर्टिकल नंबर 6, इंटरेक्शन ऑफ टू डाइपोल्स। ये वैसे तो नीट में नहीं, एनसीईआरटी में, पर एम्स में इसके सवाल दो बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए अपन चाहते हैं कि अपन इस बात को समझ के रख लें। आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि जो आ रहा है वो ही तैयार नहीं हो रहा। चलो आप गंभीर मत हो जाइए, करेगा ऐसे ही बात करते रहते हैं। ये दो डाइपोल है, आप देखें सर माइनस क्यू प्लस क्यू तो दिखाई नहीं दे रहे भाई, वो पी वेक्टर के अंदर ही माइनस क्यू प्लस क्यू छिपे हुए हैं। कोई बता सकता है, अगर हम पी वेक्टर ऐसा लिख रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? इनबिल्ट हो गया ना, यहां माइनस क्यू है और यहां प्लस क्यू, दो डाइपोल है ये, दो डाइपोल। तो इनके पीछे जो फोर्स लग रहा होगा वो हमें इंटरेक्ट करना है। फोर्स बड़ा लग तो रहा होगा, क्योंकि सोचिए ये माइनस प्लस हैं, ये माइनस प्लस हैं, तो ये वाले चार्ज इस वाले को तो अट्रैक्ट और रिपेल भी कर रहे होंगे, तो कूलम फोर्स से करना बड़ा कठिन है। दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं जो कल बताऊंगा। इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी इसके चारों तरफ, अभी कुछ मत लिखिए, सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। ये पॉइंट अच्छे से सुनिए, कल वापिस बोलूंगा इसलिए बता रहा हूं। ये पॉइंट इस डाइपोल के कहां है, ईमानदारी से बताइए, एक्सिस पर। एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री पे होती है, जहां डाइपोल वहां इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ईमानदारी से बताइए, ड्यू टू पी वन। अभी कुछ मत लिखो, अभी आज कच्चा पक्का सुन लो, ताकि कल वापिस बोलूंगा ना तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। ये विद्युत क्षेत्र किसने पैदा किया, पी वन ने। पी वन का रोल खत्म, पी वन भैया चले जाओ, चले जाओ, पी वन चले गए। अब इस फील्ड के अंदर कौन रखा गया है, पी टू। फील्ड के अंदर कौन रखा गया है, पी टू। याद करिए, क्या आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं क्या? पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस पी ई कॉस थीटा पी पी टू पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, वन की। थीटा पी टू का एंगल और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 0। क्या बातें समझ में आ रही है? स्टेप नंबर 1 क्या था, कल वापिस आएगा, आज सिर्फ सुनिए। स्टेप नंबर 1, पी वन ने इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कौन रखा गया है, पी टू रखा गया है। तो इसकी मैंने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी। पर सर फोर्स पूछा है, भाई फोर्स और यू के बीच में रिलेशन है, एफ बराबर माइनस डीयू बाय डीआर, हमारे पास फोर्स आ जाएगा। कल मैं आपको फोर्स बताऊंगा, कई बच्चों को याद भी होता है, वो आर की पावर 4 आएगा, 6K P1 P2 / R^4, दो बार एम्स में आया है। पर कल मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा कि फोर्स कैसे आता है। आज मैंने इसकी आपको एक डायरेक्शन दिया सोचने का, कि डाइपोल पी वन इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कौन रखा गया है, पी टू, उसकी क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। वंस आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, आप क्या निकाल सकते हो, फोर्स। तो कल इसको बाइंड अप कर देंगे पूरा, 15-20 मिनट का ही बचा हुआ है, जो अलॉटेड लेक्चर थे उसमें अपन ने अच्छे से कर लिया पूरा, कल काम इसको फिनिश कर देंगे और कल ही शुरू कर देंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर है बात? चलिए साहब, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद इतना प्यार से सुनने के।